सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता?